कचरे की बनी तह और इर्द गिर्द मकानात ही मकानात, यह हाल है रहमानाबाद मूसा कॉलोनी से गुजरते गुज्जर नाले का, जहां गैर कानूनी मकानात तो गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन 15 रोज कबल कैफे प्याला के मुकाम से शुरू किया गया था, जो अब आयशा मंजिल के बाद मूसा कॉलोनी तक पहुँच चुका है। सारा पानी घरों में है, अभी भी जाके घरों में देखो, छह छह चार चार फुट पानी खड़ा है। सफाई नहीं हुआ नाले का। जब हमसे बिल ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, जब बोलना चाहिए गैर कानूनी, आप क्यों बोल रहे हैं गैर कानूनी है? गैर कानूनी मकानात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है। नाले में कचरा क्या कम था, जो मस्मार किए गए मकानात का मलबा भी नाले में फेंका जा रहा है, जो मुसीबत दर मुसीबत बन सकता है। हम छोटे हुआ करते थे, जब इसी नदी में हम लोग मछलियां भी पकड़ते थे, ये पानी इतना साफ होता था, लेकिन यहाँ की इंतजामिया यानी कि उस वक्त की गवर्नमेंट से लेकर आज तक की गवर्नमेंट, ये सब इन्वॉल्व रही है इस इंक्रोचमेंट के अंदर, वो भी जिम्मेदार हैं। गुज्जर नाले पर कायम तजावुजात का मंजिल बा मंजिल सफाया किया जा रहा है। इसके बाद ऑपरेशन की अगली मंजिल लियाकताबाद है, मगर ख्याल रहे पीछे जो मसाइल बाकी हैं, इंतजामिया इसका भी खात्मा करे। गुज्जर नाले के अतराफ गैर कानूनी मकानात गिराने का सिलसिला तो जारी है, मगर देखना यह है कि इंतजामिया नाले से कचरा कब तक साफ कर सकेगी। कैमरामैन अदनान शेख के साथ रबिया खान, 24 न्यूज़, कराची।